हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज मेरे साथ हैं विशाल। विशाल, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। कैसे हैं आप? लुकिंग रॉकिंग। पारस, थैंक यू सो मच. नॉट एज रॉकिंग एज यू ब्रो. आई एम वेल एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन. इट्स सच एन ऑनर. लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो आप अपने शो को लॉन्च कर रहे थे डिज्नी चैनल पे। कैसा रिस्पॉन्स आया विशाल शो का? कैसे फैन मेल्स आ रहे हैं आपको? हम देख रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। समझ गए आप? बिल्कुल, टोटली अंडरस्टूड। आई डोंट नो कौन ऊपर वाला वहां पर इतनी देन दे रहा है मुझे, लेकिन वंस अगेन ये शो, वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डिज्नी के साथ के इतने सारे हमने शोज मैंने शोज किए, हमने साथ में किए हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन सो वेल रिसीव्ड. सो आई एम सो ग्रेटफुल. जो नंबर्स आए हैं अभी पहले एपिसोड के, सेकंड एपिसोड के, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द व्यूअर्स आर एंजॉयिंग इट अ लॉट. And my daughter, who's now 7 years old, and she's just the perfect audience for this, is loving it. And she's after me कि चलो ये DIY करते, ये DIY करते. So I'm very, very happy. Thank you for asking me. अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट था, ये तो हम सभी जानते थे कि बहुत बड़ा सक्सेस होगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि विशाल जो भी करते हैं वो हमेशा हिट होता है। सो इसके बाद क्या विशाल, व्हाट इज द प्लान इन द फ्यूचर? व्हाट यू वांट टू डू? आर यू विलिंग टू डू टेलीविजन? आर यू गोइंग फॉरवर्ड फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? किस तरीके का अपना आपने प्लानिंग कर रखी है फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? I'm very, very eager to do something amazing on either the OTT platform or continue in the feature films aspect of things. क्योंकि purely because वहां पर opportunities आते हैं for the kind of work that I want to do. So I am reaching out to all the filmmakers, all the producers, and all the OTT platforms to please consider me to be a part of the shows that they're doing. And hopefully they'll agree to me and they'll listen to me. And they'll cast me in one of these lovely OTT shows that they're coming up with. टेलीविजन करने का कोई मन है? जो प्रॉपर सास बहू ड्रामास हैं वो करने का मन है? क्योंकि विशाल ने अभी तक वो नहीं किया है। यू हैव डन टेलीविजन बिफोर, बट जो प्रॉपर सास बहू ड्रामास हैं वो विशाल ने अभी तक नहीं किए हैं। इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंकिंग बिहाइंड दिस कि मुझे ये शोज नहीं करना है? यू आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ शोज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन लोग ये इसका जो रेफरेंस सास बहू से चेंज करके देवर और पति कर लेंगे, उस दिन मैं मेरी मेरी जो इंटरेस्ट लेवल है उसमें थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो समझदार को इशारा ही काफी है। तो विशाल विशाल वांट्स टू डू सम फोकस रोल्स, फोकस शोज, फोकस प्रोजेक्ट्स जिसमें आपको काम करने के लिए कुछ एक बहुत अच्छा मीटी रोल मिले जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। एम आई राइट? Paras, you got me absolutely right. And if you don't mind, I'll just add to something that. Paras, you've got me absolutely correct. But if you don't mind, I'll just add to jo aapne kaha hai. Meaty is what I'm looking at in a broad term. मेरे में कोई हीरो कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसका ये मतलब है कि मैं सिर्फ हीरो बनूंगा, ये मेरे दिमाग में नहीं है। मुझे ऐसे कैरेक्टर्स करने हैं जो इम्पैक्टफुल हो और जो स्टोरी को आगे बढ़ाए। और ऑल माई करियर आई हैव ट्राइड टू डू दैट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू दैट एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो जो भी OTT पर मुझे कंसिडर करेंगे, फीचर्स में मुझे कंसिडर करेंगे, मैं हीरो के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, लेकिन उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक पूरे प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उसमें से मुझे आप एक कैरेक्टर के लिए कंसिडर कर लो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बट विशाल, देयर वाज अ टाइम जब विशाल मल्होत्रा के पास बहुत ही अच्छे बॉलीवुड रोल्स थे और वो जो रोल्स थे वो बेस्ट फ्रेंड रोल्स थे। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, इश्क विश की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो लीड पेयर था वो शाहिद और अमृता थे, लेकिन मैम्बो का जो कैरेक्टर था वो अपने आप में इतना एंटरटेनिंग, इतना अमेजिंग कैरेक्टर था कि उस कैरेक्टर के बगैर वो फिल्म अधूरी थी। अगर मैम्बो उस फिल्म में नहीं होता तो शायद वो फिल्म उतनी एंटरटेनिंग नहीं होती, उतनी इंगेजिंग नहीं होती। सेम विथ किस्मत कनेक्शन, सेम विथ ऑल अदर फिल्म विच यू हैव डन, आपके जो कैरेक्टर्स रहे हैं वो हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंटरटेनिंग और एंगेजिंग रहे हैं और ऑडियंस ने हमेशा उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। जो एक्स फैक्टर रहा है, जिसको एक्स फैक्टर बोलते हैं फिल्म का, वो हमेशा आपके कैरेक्टर्स रहे हैं। तो उन सब फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? No, I was very fortunate कि I got these opportunities और जैसे कि आपने correctly कहा and which I'd also mentioned, मेरा कोई ये नहीं है कि मुझे हीरो ही बनना है। अगर वो रोल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा पॉइंट है कि जैसे कि मैंने आप जैसे आपने नोटिस किया है, चाहे वो जन्नत हो, इश्क विश्क हो, एक विवाह ऐसा हो,
तू है मेरा संडे और जो भी हो, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स के बिना ये फिल्म अधूरी होती है, और मैंने इसे निभाने की कोशिश की है एंड इट्स वर्क. सो आई एम ट्राइंग टू डू द सेम थिंग इन द फ्यूचर. लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी आपको इस लाइन में एक पनिशमेंट मिल जाती है कि आपने ये अच्छा किया है तो हम आपको पनिश करेंगे, और वो पनिशमेंट ये होती है कि हम आपको वही रोल ऑफर करेंगे. तो टाइप कास्टिंग मेरे साथ हो गई थी और छोड़ने की का नाम ही नहीं ले रही है. तो मैं अपनी तौर से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और जब आप बहुत सारे लोग, यू नो, 20-25 लोग एक बार आकर आपको वो सेम ही रोल दे देते हैं, चाहे उसके लिए वो आपको ढेर सारे पैसे ऑफर कर रहे हैं, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, वो फिल्म डेफिनेटली हिट होगी, लेकिन मेरे अंदर की जो एक आवाज है वो मुझे अलाउ नहीं करती. तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कम काम भी करूँ, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो रोज काम करना चाहता हूँ, लेकिन जो चॉइसेस मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है वो सेम चीज है, और वो मैं सेम रिपीट नहीं करना चाहता. इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ और लोगों से जाकर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि देखिए ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा काम है, आप देखिएगा और मुझे उसके हिसाब से आप एक नया काम दे दीजिएगा. मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा. और ऑडियंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑडियंस देखेंगे और बोलेंगे अरे मैम वो, ये तो बोलेंगे क्योंकि वो तो कैरेक्टर अमेजिंग था, लेकिन वो ऑडियंस आई थिंक 2-3 मिनट में मैम्बो को भूल जाएंगे और फिर वो नए किरदार में अपने आप को इमर्स कर देंगे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं उनके साथ अपने आप को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो करियर ग्राफ था, जैसे कि अमजद खान, उन्होंने गब्बर सिंह का कैरेक्टर निभाया था और सब उन्हें गब्बर सिंह का ही कैरेक्टर दे रहे थे, मतलब उन्हें ऑफर कर रहे थे डकॉयट, डॉन, ये सब, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को मोल्ड करके काम किया. वरना अमजद खान जी इतने टैलेंटेड एक्टर थे कि वो आप बिलीव नहीं करेंगे पारस, और आप जानते हो कि ही कुड इवन डू रोमांटिक रोल्स, लाइक हाउ इफ यू गो इनटू द पास्ट, संजीव कुमार, ही वाज नॉट अ क्विंटेसेंशियल हीरो लुकिंग पर्सन, बट ही हैज डन कॉमेडी, ही हैज डन रोमांस, ही हैज डन एक्शन. शत्रुघ्न सिन्हा, एवरीथिंग इज, अमिताभ बच्चन, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर माई सेल्फ टू देम, नो वे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अनफेयर टू ब्रेक to be typecasted in anything in life, director, actor, writer, anybody creative. So, बस मेरी कोशिश जारी है. Okay, so you started with Hippie Pore, John बहुत ज़्यादा hit हुआ, then Membo came. आपने एक college school going boy से लेकर college going fun loving, बहुत ही मस्ती खोर और भाई को भी line मारने वाला जो Membo है, उससे लेकर एक आदर्श भाई तक के वाय सभी में हर तरीके के characters play की हैं. Is there any plan, Vishal, to play negative roles, dark kind of characters? I'm hoping I get one, क्योंकि मैं फाड़ दूंगा उस रोल को. और ये surprise होगा. और sorry if I'm sounding egoistic. No. I'm just totally so passionate. I would love to see you in Grey Shade, in dark character, in like proper villainous role. That will be a surprise. You know, मैं मतलब बिल्कुल ही enjoy नहीं कर रहा हूँ यार. ये मतलब जो interview है. मतलब मुझे मूड ही नहीं हो रहा है ये इंटरव्यू करने में पास. हाँ, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? तो वही ये शॉक वैल्यू. ऑलराइट, आई लव यू, आई एम सो ग्लैड यू गॉट इट. बट यही पॉइंट है कि इनोसेंस, आई मीन, जो लोग मुझे एक शॉक वैल्यू, और यही तो होता है एंटरटेनमेंट, कि लोग को वो दो जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. इमेजिन अगर आप एक मर्डर मिस्ट्री बनाए और उसमें मैं मर्डरर एट द एंड निकलो, आप पूरे फिल्म में आप डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे, यू नो. So all things like that, and it's I as an actor, of course I want to do everything. As a journalist, Paras, I am not presuming anything about you, but you will always want to kind of not only be focused as a investigative journalist, as a political journalist, as an entertainment journalist, you would want to be for that. And of course everybody has their limitations. Somebody is great at but you will never know till you try. Definitely, I want to try everything. Yeah, and some you will be good at, some I'll be good at, some I might not be good at. और मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत ही expensive experiment है, but बकायदा audition करके आप जाओगे, आप ability पर अगर आप करो, and just not on the basis कि यार इसने Membo अच्छा किया था, तो आप इसे Membo ही का करो. I'm sounding very very negative यार. नहीं, I have to tell you, I have to just pause to tell you, I'm in such a happy space. I have so much gratitude. मतलब 25 साल हो गए यार, और आज भी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. आज भी आपको लगता है कि आप अपने टाइम से
आप अपना कीमती वक्त मेरे साथ मुझसे बात करने के लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए कर रहे हैं. I mean, who can ask for more than this, yeah, Paras? I'm aware of that. But I'm also greedy. I'm an actor. I totally get where you are coming from, Vishal. Because एक ऐसा पॉइंट हर एक्टर की लाइफ में आता है जब वो ये सोचता है कि नाउ आई हैव डन एवरीथिंग एंड नाउ आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, और मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ यूनिक करना है. आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. हां, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट यू नो आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू दैट ये मेरा प्रोसेस पिछले 10 साल से चल रहा है. तो मुझे मुझे आई फील अपसेट, आई फील एंग्री, आई फील सैड, आई फील डीमोटिवेटेड, बट देन आई कीप गोइंग क्योंकि दिस इज माय पैशन. ये मेरा ऑक्सीजन है. तो मैं तो मतलब एक्टिंग का कोई देयर इज नो एज ना कि यू स्टार्ट एक्टिंग एट दिस एज और कोई रिटायरमेंट एज नहीं होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर, सो इट्स अ प्रोसेस. और एक दिन, एक ना एक दिन तो लोग मुझे कोई तो अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि मैं मैम्बो से निकल के या जॉन से निकल के या एक विवाह का विशाल के निकल के कुछ और बन जाऊं. लेकिन इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले हैं विच आई एम सो ग्रेटफुल फॉर. यार पास नहीं, बट ये आपने बिल्कुल सच कहा विशाल कि इट्स बीन 25 इयर्स और 25 साल के बाद भी इस इंडस्ट्री में रेलेवेंट होना, इम्पोर्टेंट होना, काम पाना और दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाए रखना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ी कॉम्पिटिशन है. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस, हु डज दीस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स रोल्स, बट आज भी विशाल मल्होत्रा रेलेवेंट है, वो दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाए हुए हैं, उनको काम मिल रहा है, वो शोज कर रहे हैं, वो मूवीज कर रहे हैं. This is genuinely, genuinely commendable. That's yeah, और आपसे बात कर रहे हैं. You know, I'm not trying to fluff you, but आपसे बात कर रहे हैं. आप जैसे आपके कलीग से बात कर रहे हैं. And for me, that's you know, I'm so humbled and touched कि कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं. You know, getting messages like thank you for being a part of our childhood, thank you for making my teenage be the best. You know, to be bestowed. I mean, to be given. मतलब एक 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 जो प्रसाद होता है. हिप हिप हुरे, इश्क विश, जन्नत, आईपीएल, ये सारी जो चीजें हैं, ये मतलब ये किस्मत की बात है जी. मेरा काम बस था कि वहां पहुंच जाओ और अपने लाइंस बोल दो अच्छी तरीके से, बाकी सब कोई देख रहा है. तो आई एम इटर्नली ग्रेटफुल पारस, आई एम इटर्नली ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल. थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. एंड आई एम श्योर जो पैरामीटर्स आपने अपने फ्यूचर करियर ग्राफ के लिए सेट किए हैं, I am 100% sure कि बहुत जल्द वो सारे पैरामीटर्स पूरे होने वाले हैं. And I'm just imagining you in a proper dark, villainous, negative character very soon. I hope very so, soon. Yeah, Paras. And you know, I feel you don't have to say it, but from people like you, I feel that there is a good vibe which comes across for everybody. And we need more people like you in this world because it cannot be faked, yaar. ये fakeness नहीं हो चलता है. I think we've been through too much and we are going through too much to understand that, you know, jo hum chhota sa jo itni choti zindagi hai hum sab ki aur hum itna time waste karte hain negative cheezon mein. Main thoda philosophical ho raha hu, but nahi that's seeing it around me, bro. The mat karo yaar, matlab nahi karna hai kisi se baat to mat karo, nikal do zindagi se, lekin yaar bura kyun sochna hai, andar se hi sadoge. Be in touch with people that you like. Be in touch with people who like you, who are good to you, who value you, who respect you. आपको एक भी ऐसा बंदा मिल जाए ना जिंदगी में, that's enough. Don't look for a crowd. Look for that one gem. Is what I feel. Sorry, this is not something you were asking me about, but I just felt. और हमारा जो plan है साथ में भोपाल जाने का, वो on है. अरे ये अगर पार्टनर्स आपने नहीं किया ना, मतलब I will be upset. ये जब पूरा पैंडेमिक खत्म हो जाएगा ना, तो मतलब भोपाल को तो मतलब जाकर वहां पर लेक साइड में जाकर मैं आपको मेरा पुराना घर दिखाऊंगा वहां पर, फिर बोटिंग ले जाएंगे हम साथ, हम एक दूसरे को भारत भवन जाएंगे, पुरानी यादें है. आप तो अरेरा कॉलोनी में रहते थे तो आप मुझे अरेरा कॉलोनी का साइड दिखाई, चौक जाएंगे, टीटी नगर में वो जो क्वालिटी का दुकान है वहां पर जाकर, वहां पर जाकर कुल्फी खाएंगे. यार बहुत चीज करनी है यार जिंदगी में. फिलहाल तो अपने आप को कोरोना से मुक्ति मिले और हम लोग भोपाल जाए, यही दुआ है फिलहाल. हाँ यार, I mean, I just have to tell you, yesterday I took my parents for vaccination. मैंने उन्हें पहले बीकेसी में, मुंबई में बीकेसी एक सेंटर है वहां पर गया, वहां पर इतनी भीड़ थी कि मैंने बोला मत उतरो, डेंजरस है. फिर 7 घंटे उनके साथ मैं गाड़ी में था, हम गए दादर में, यहाँ पर ड्राइव इन है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, लेकिन इतने लोग हैं, 7 घंटे, और फिर अल्टीमेटली उन्हें वैक्सीन मिला.
तो यार ये क्या हो रहा है, हम किस जमाने में रह रहे हैं, लेकिन हम रह रहे हैं और हमें एकजुट होकर जस्ट टू गो फॉर इट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स डेफिनेटली एंड पीपल अराउंड डेफिनेटली अस। यू टू स्टे सेफ विशाल, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, द प्लेजर इज ऑल माइन पार्टनर्स, गॉड ब्लेस यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी वॉचिंग दिस, चीयर्स।